फिर इस बिजनेस को करने में हम डरते क्यों हैं? फिर इस बिजनेस में हम दिल लगा के काम क्यों नहीं करते? इसकी सबसे बड़ी एक खूबी अगर है तो सबसे बड़ी इसकी एक प्रॉब्लम भी है। क्या है मालूम है? क्योंकि आप अपना सब कुछ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आपको बहुत कुछ लगा नहीं गांव पे। एक्चुअली अगर आपने 5 लाख की दुकान खोली और एक ग्राहक नहीं आ रहा तो आपकी मजबूरी से उठाना सटर गिराना, क्योंकि ग्राहक और मौतों पर भरोसा ये हम जानते हैं, इसलिए सटर खोल कर बैठेंगे सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आए या ना आए, ये हमारी ड्यूटी। चूंकि 5 लाख दुकान के अंदर डाल रखा है, लेकिन इस बिजनेस में हमने क्या लगाया? जो पैसा दिया सामान खरीद दिया, तो मेरा लगा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको अटपटे ढंग से करता हूं। चल पड़ा तो ठीक, अगर मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूं 1 लाख रुपए का अप्पे, 1 लाख रुपए का अप्पे खरीद लेता हूं, तो उसे मैं घर में खड़ा करके नहीं देख सकता साहब, क्योंकि उसकी ईएमआई हमें भरना है 3000 रुपए महीने का। अगर मैंने एक मैसिक खरीद लिया तो साहब उसको हम नहीं देख सकते साहब, हमने एक पिकअप खरीद लिया हम नहीं देख सकते खड़ा करके, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करके हम इसको रोक के देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा को कुछ लगा नहीं, मेरा भी कुछ लगा नहीं है, इसलिए मेरे अंदर से वो आवाज नहीं है। मैं इसके लिए भागता नहीं, मैं इसके लिए एफर्ट नहीं करता, कारण मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इसकी ये विशेषता है जिसे देखकर आप लोग अपनी जिंदगी में अभी भी स्थिति लो, इसको जब मैंने यहां से कुछ साल पहले देखा था तो मेरा विश्वास ही नहीं हो पा रहा था इस व्यापार पर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा काम किया है। आप सबको मालूम है ना, गारमेंट्स, अगरबत्ती, राइस मिल का बिजनेस, एग्रीकल्चर का कारखाना, बहुत कुछ किया, 5 व्यापार करके लॉस हो चुका था। मैंने इस बिजनेस में कदम जब रखा और मुझे बताया गया बिना पूंजी लगाए कितना पैसा आएगा यहां पे, नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन। 2,10,000 को मारो गोली अजहर जी, अतहर मियां, 2,10,000 को मारो गोली, 2,10,000 एक लिमिट है, लेकिन नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं है। अपार संभावनाओं से भरा है यह बिजनेस, अपार संभावनाओं से भरा है यह बिजनेस, जिस बिजनेस में आप अनजाने में आ गई या आ गए। ऐसी बहुत सारी लेडीजें हैं जिनकी महीने की इनकम आज की डेट में माय लाइफ में 35 लाख रुपए महीना है, जो कभी हाउसवाइफ रहा करती थी। एक हाउसवाइफ होने के बाद, एक फैमिली चलाने के बाद आज उनकी इनकम 35 लाख रुपीज एवरी मंथ है। ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी महीने की इनकम 8 लाख रुपए है, ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए है, ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, और ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी महीने की इनकम 15,000 है, और ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी हफ्ते की इनकम 1500 है, और ऐसी भी लेडीजें हैं जिनकी इनकम 0 है। व्यापार सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है, अवसर सबके लिए एक समान है, फिर कोई 1500, 15,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख तक कैसे कमा रहा है? लेडीज वही है, फिर कमा कैसे रहा? कुछ कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। अवसर सबके लिए समान है, ऐसा तो नहीं कि अमीर के लिए कुछ अलग है, दुनिया मिश्रा के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, फलाने के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म है, माय लाइफ में ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई रूल तो नहीं होता। जो रूल बनता है वो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग नाउ इज नॉट एन ऑप्शन बट क्या लिखा है, नेसेसिटी फॉर मिडिल क्लास। इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्या है इसका मतलब? विकल्प नहीं है, आज के मिडिल क्लास के लिए जरूरत है, अनिवार्य है, आवश्यकता है। ये कहो कि अगर जिंदगी में आपको शॉर्ट में डायमंड करोड़पति अरबपति बनना है ना, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, स्कीम नहीं है रातों रात अभी बनाने वाला। मैं आगे चल के आपसे बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। यानी आज की डेट में जब मेरे सामने ये प्लेटफॉर्म आया था तो मुझसे पूछा गया था, विनय मिश्रा आप करोड़पति बनना चाहते हो? उस समय मेरी हैसियत लखपति की नहीं थी, तो मैं हंसने लगा, हमें पहले लखपति तो बना हो, करोड़पति तो बाद की बात है, अभी तो मैं लखपति नहीं हूं। और मेरे पापा की पूरे साल भर की वेतन ना 12 महीने की 1 लाख नहीं होती थी, 96,000 होती थी मेरे पापा के शरीर में, पूरे साल की 96,000 रुपए मेरे पापा कमाते थे एक साल मेहनत करके। और उनके बेटे को बताया जा रहा था 1 लाख रुपए हफ्ता, मेरा पिता एक साल में 1 लाख नहीं कमा रहा है, उसके बेटे को समझाया जा रहा है 1 लाख रुपए हफ्ता कैसे हजम होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, कैसे जाएगा? क्योंकि मैंने अपने खानदान, अपने पास पड़ोस, अपने मां बाप किसी को कमाते इतना बड़ा पैसा देखा ही, मेरे जान पहचान के, मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले को कोई कमाने वाला था ही नहीं,
तो कैसे मैं एक्सेप्ट करूं इन चीजों को, कैसे मैं मान लूं? पॉसिबल। बट प्लीज साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अनिवार्य क्यों है। आज डायरेक्ट सेलिंग हम जैसे मिडिल मैन फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लिए आवश्यक क्यों है? क्यों है ये अनिवार्य? व्हाई? व्हाई? ये व्हाई आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये रातों रात कोई ऐसी स्कीम मैं नहीं बता रहा हूं जिसको आप अपनाकर बड़ा आदमी बन जाओगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने रातों रात बड़ा बनने का कोई, मेरे पास ऐसा कोई विकल्प है और ना मैं रातों रात बड़ा बना। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैंने 4 साल अपने मां बाप को ना अपनी कमाई का 10,000 रुपए नहीं दिया, 4 साल। तो इसका मतलब यह है कि यह बिजनेस मैं पहले से समझ चुका था कि ये एक ऐसा सिस्टम है। जैसे आप लोग चीन का बंबू जानते हैं, चीन का बंबू, बंबू मतलब समझते हो, चीन का बांस, उसका एक प्रोसेस है। चीन में एक बांस पाया जाता है, उसका एक बीजारोपण किया जाता है और जब उसका बीज बोया जाता है तो बीज बोने के बाद वो बंबू 5 साल तक सतह पे दिखाई नहीं देता। उस किसान के बारे में जरा सोचो, उस फार्मर के बारे में जरा सोचो जिसने इस बीज पर विश्वास कर रहा है और 5 साल बिना कोसी कुछ भी ऊपर सतह के देखे विश्वास के साथ पूरे शिद्दत से रोज निराई गुड़ाई सिंचाई खाद पानी दे रहा है और 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता और वो सतह के ऊपर आ ही नहीं रहा है, फिर भी वो प्रोसेस चालू रखा है, बंद नहीं कर रहा है। आप मुझे बताओ, वो ये सोच सकता था कि यार लग रहा है बीज जो मैंने बोया वो बीज सड़ गया? सोच सकता है ना? वो सोच सकता है कि लगता है यार कि ये फालतू की बातें हैं, 4 साल से मेहनत कर रहा हूं। हेलो। और तमाम लोग जब देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते, बड़ा मूर्ख आदमी है यार, जब देखो कुदार लेके जुड़ जाता है, खुद भी लग जाता है लेकर अपना निराई गुड़ाई सिंचाई पानी देता रहता है, खाद पानी डालता रहता है, रोज इसका देखरेख कर रहा है। 4 साल तो हो गया, 5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 3 हफ्ते के बाद, जब 5 साल बीतता है, 3 हफ्ते के बाद 90 फीट ऊंचा हो जाता है। विद इन 3 वीक कितने फीट ऊंचा? 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, 90 फीट जो ऊंचा हो जाता है, क्या हुआ कि वो 3 हफ्ते में 90 फीट हुआ? हेल्प मी, बताइए सर। नहीं ना, फिर कैसे हुआ? बोलिए सर। 4 साल प्लस 5 साल की मेहनत। हाँ जी, 4 साल टाइम दिया। 4 साल टाइम दिया, मेहनत, टाइम दिया, मेहनत, टाइम दिया, मेहनत किया, या 5 साल मेहनत किया? 5 साल मेहनत, 5 साल मेहनत किया और उसके बाद 5 साल बाद वो 90 फीट ऊंचा बन गया। तो 5 साल तक वो करता क्या रहा? सिंचाई गुड़ाई। हाँ, 5 साल करता क्या रहा? हेल्प मी, कौन तैयारी कर रहा था? किसान। हाँ, वो बीज, और वो बीज क्या कर रहा था? सतह के नीचे अपना डेवलपमेंट चालू रखा था। वो धरती के ऊपर नहीं था, वो धरती के नीचे जाके डेप्थ में काम कर रहा था। वो उसकी जड़ें, उसके नीचे के प्रोसेस, वो सब नीचे चल रहे थे, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था। जब मैं इस बिजनेस में 4 साल आया तो विनय मिश्रा को बोलने का सेंस नहीं था, विनय मिश्रा को कपड़ा पहनने का सेंस नहीं था, विनय मिश्रा को टाई बांधना नहीं आता था, विनय मिश्रा को माइक पकड़ना नहीं आता था, विनय मिश्रा को बड़े लोगों से कैसे बात करना है ये समझ नहीं था, छोटों से कैसे बात करना समझ नहीं था, किसी लड़की के सामने बैठ के उसकी आंखों में आके डाल के बात कर पाना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। आज मैं किसी भी लेडीज, किसी भी गर्ल्स के साथ सेकंड करता हूं, बगल में बैठता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मेरे बगल में कोई लेडीज आ जाए तो इतनी दूरी भागता। वो कल का विनय मिश्रा था, ये आज का विनय मिश्रा है। तो अगर बदला तो कुछ क्या बदला? थॉट प्रोसेस बदला। और ये एक दिन में नहीं बदला, ये एक दिन में नहीं बदला, इसमें टाइम लगा। टाइम लगने के बाद मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। और जब वो धीरे धीरे सारी चीजें मेरे अंदर चारों तरफ से डेवलप हो गई, हर कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, स्माइल, हेलो, अंडरस्टैंडिंग, करेक्टर, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, एथिक्स, हर
किया, कमिटमेंट है, तब जाकर विनय मिश्रा का एक नया रूप बना। और ये सब चीजें एक रात और एक दिन और एक साल में होती नहीं है, चूंकि पर्सनालिटी, आज मैं कहता हूं मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा ब्लड क्या हुआ मालूम है? कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब समझते हैं? पुराने जो प्रोसेस थे सारे प्रोसेस फिनिश्ड, चाहे वो मेरे माँ हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरी वाइफ हो या मैं हो, पूरा ब्लड पूरा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका कारण क्या था? एजुकेशन कौन ले रहा था? अकेले हम, लेकिन ट्रांसफॉर्म पूरा परिवार हुआ। क्यों? क्योंकि जो मैं एजुकेशन लेता था वो मैं अपनी वाइफ को समझाया करता था, या बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं, या मम्मी पापा को एक्सप्लेन करता हूं, धीरे 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 करके वो सारी चीजें चेंज होना शुरू हो गई। या मैं कभी टोका नहीं करता था उनका कोई भी बात पर, आज मैं टोक देता हूं। कारण अंडरस्टैंडिंग, एक समझ आ गई। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस है, इस सिस्टम को समझना इसलिए अनिवार्य है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप नहीं भी पैसा कमाओ, आपने सुना होगा कोई भी व्यक्ति कहते मैंने फला कंपनी में 4 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, उसके बाद वो जंगल में भी रहेगा ना तो भूखो नहीं मरेगा। यानी कब? जब वो इस बिजनेस से कुछ लर्निंग करता है तब। मतलब अगर इस प्रोफेशन में लगातार 4 साल 5 साल कोई भी व्यक्ति रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर ले और सिस्टम में आगे काम करे, 100% उसकी लाइफ, उसकी पर्सनालिटी, उसकी एक्टिविटी, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसका थॉट, उसका रिलेशन, उसका इमोशन, सब कुछ चेंज हो जाता है। यस आर नो? क्या आप ये फील करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद? तो यहां पर वो मिलता है जो कभी कॉलेज और स्कूलों में नहीं मिला। दूसरी चीज आपको समझना है कि मिडिल क्लास यू लाइव एंड एडजस्ट योर लाइफ स्टाइल एज पर योर इनकम। आज किसी भी मिडिल क्लास को आप देखोगे, अगर उसका कपड़ा देखोगे, उसका पहनावा देखोगे, उसे घर का रहन सहन देखोगे, उसका बिस्तर देखोगे, उसके बच्चों को देखोगे, उसके माँ बाप को देखोगे, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप देख लेने के बाद उसकी हैसियत, उसकी स्थिति परिस्थिति समझ जाते हैं। हेलो, किसी भी मिडिल क्लास की स्थिति क्या है, इसका स्टैंडर्ड। आप उसके घर चले जाओ, वो पानी में जब आपको कुछ परोसता है, रात में रुक जाओ जब खाने में परोसता है, तो उसके स्टैंडर्ड लेवल को आपको समझने में देर नहीं लगी। उसे घर में अंदर बाहर हो गए, आपको देर नहीं लगी। एक मिडिल क्लास, कारण जानते हो? देखो बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, यू लाइव एंड एडजस्ट योर लाइफ स्टाइल एज पर योर इनकम, वेरी थॉट टू चेंज इनकम क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब आप जरा देखो, यहां पर आपको क्रैक कर दिखेगा। ये एक मिडिल क्लास की स्टैंडर्ड लिविंग जिंदगी है, ये उसका जीवन है जिसको वो ढोता है पूरे जीवन। अगर अपने बच्चे को 2 रुपए का पार्ले लेके जाता है तो 2 रुपए के लिए नहीं जाना चाहता, वो 12 रुपए वाला पार्ले जाना चाहता है, वो 24 रुपए वाला ले जाना चाहता है, लेकिन उसके पॉकेट में वो जगह। वो अपने बच्चों के लिए जब उसकी वाइफ व्रत रखती है तो अंगूर जो ले जाता है 250 ग्राम ले जाता है, एक्चुअली वो 250 ग्राम नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि जानता है कि वाइफ खाएगी नहीं, बच्चे खा लेंगे। वो 1 किलो लेना चाहते हैं लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए वो 250 ग्राम लेके जाता है। वाइफ को भी नजर में खुश, हाँ तुम्हारी मैं परवाह करता हूं करके, और वाइफ क्या करती है, बच्चों को खिला देती है, लो बेटा तुम खा लो, और नाम के लिए 2 अंगूर मुंह में डाल लेती है नाम के लिए। देखो मैं आज ये प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही फैमिली में कभी जिया करता था और ऐसी फैमिली में मैं रहा करता था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मेरी माँ व्रत रहती तो मेरे पिताजी कुछ फ्रूट लेके जाया करते थे, तो मेरी माँ खाती कम थी खिला ज्यादा देती थी, और माँ को ये करने में अच्छा लगता, क्योंकि ममता नहीं माँ, ममता तो मतलब ममता का तो कोई कीमत ही नहीं, कीमत ही नहीं था। वो तो अपनी जान भी औलाद के लिए दे सकती है, खाना पीना चीज क्या चीज है, तो वो अपनी सामने की चीजें अपने बच्चों को परोस के दे देती है, लो खाओ। पिताजी भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को से प्रेम तो माँ पिता दोनों को होता है, तो पिता क्या बोलेंगे। लेकिन उनके आंखों में आंसू हुआ करता था, कारण कि वो चाहते तो थे ला 1 केजी ले आए, लेकिन जेब में वो फंड नहीं था जिसकी वजह से वो एफर्ट कर सके। तो वो क्या किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ में एडजस्टमेंट किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, एक स्लीपर में, एक सूज में जिंदगी गुजार दी उन्होंने, अपने लाइफ को एक ड्रेस में जिंदगी गुजार दी। जब तक वो रहेंगे इस धरती पे ना, अपने बच्चों के लिए 2 ड्रेस करेंगे, अपने लिए 1 ड्रेस, बच्चों के लिए 4 ड्रेस, खुद के लिए 1 ड्रेस। कारण क्या है? वो अपनी खुशियां अपने बच्चों, कहते मेरे खुशी तो मेरे बच्चे, ऐसा करके अपना
दिल बहलाते हैं, ऐसा करके अपने आप को सांत्वना देते हैं, ऐसा करके वो अपने आप को खुश रखते हैं। ये एक मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल है माय फ्रेंड्स। ये एडजस्टमेंट की लाइफ कब तक आप जिएंगे? और मैं आज आपको बता दूं, जब मुझे ये प्रोफेशन, ये बिजनेस के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया जा रहा था, तो मैं अपने आप को पूरा देख रहा था, मैं अपने पूरे फैमिली को देख रहा था कि ये जो बातें हो रही हैं ये किसी और के लिए नहीं, किसके लिए हो रही है? मेरे बारे में हो रही है। क्योंकि हर मिडिल क्लास की जिंदगी यही है, हर मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल यही है। आज की डेट में हमको ना छोटा सा खिलौना लेने के लिए ना एक मिडिल क्लास के बच्चे को रोना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब उसका पिता उसको मेले में खिलौना खरीदता है। उस बच्चे को एक आइसक्रीम खाने के लिए जिद करना पड़ता है, तब पप्पा उसको आइसक्रीम खिलाते हैं। जिद ना करे तो पप्पा आइसक्रीम भी ना खिलाए, कंधे में बिठा के जाए, मेला में घुमा के चले भी आसा, कारण एफर्ट नहीं कर पा रही फैमिली, वो एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। और ऐसी फैमिली जो बेचारा आइसक्रीम तक बच्चे को खिलाने के लिए बच्चे को रोना या जिद करना पड़ता है, अब अगर अचानक उसके घर में उसकी वाइफ बीमार हो जाए, उसकी माँ बीमार हो जाए, उसके पिता बीमार हो जाए, उसके पेरेंट्स बीमार हो जाए, तो क्या होगा? हेल्प मी, क्या होगा आप बताइए? अगर अचानक उस घर में 10,000 खर्चा आ जाए, जो पिता आइसक्रीम के लिए या एक ड्रेस कपड़े के लिए सोच रहा है, अचानक उसके घर में 10,000 खर्चा आ जाए, मैडम क्या होगा? 3 से 4 महीना वो परिवार सफर करेगा, उसको मैनेज करने में, एडजस्ट करने में आएगा कि नहीं आएगा? तो आज ये मिडिल क्लास की जो लाइफ है ना, वो एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, और ये एडजस्टमेंट की जिंदगी जीने की हमको बन गई है आदत, ये आदत लग गई हमारे पेरेंट्स को, और ये आदत देख देख के अब लग गई हमको, क्योंकि ये सब कल्चर मतलब संस्कार में मिल गया विरासत में। तो अब हम इससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकलने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? हेल्प मी, क्या करना पड़ता है? निकलने के लिए हमें दर्द लेना पड़ेगा। हमारी सोच आपकी सोच कभी मैच नहीं खाई, हमारे आपके बीच में हमेशा विरोधाभास होगा। आप कहोगे लेफ्ट, हम कहेंगे राइट, हम कहेंगे जागते रहो, आप कहेंगे सोते रहो, क्योंकि आपको पड़ गई सोने की आदत, और हमारी पड़ गई आदत जगाने की और जागते रहने की। तो हमारे और आपके बीच में इस प्रोफेशन में एक ही चीज चलेगा, वो क्या चलेगा? विरोधाभास। हमारा माइंड और आपका माइंड जब इक्वल में खड़ा होगा, हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल में आएगी, तो ये कब आएगी? जब हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक समझदारी वाली बात आएगी। समझदारी आती कब है कुंद्रा जी? जब हमारे मन में भावना होती है, जब हम जहां बैठे होते हैं वहां से उठकर हम सामने वाले के पास जाते हैं, और वहां से देखते हैं कि उसके पास वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो क्यों सोच रहा है? क्या कारण क्या है? क्या उससे हमारी कोई दुश्मनी है? क्या हमारी कोई उससे रंजिश है? नहीं है। फिर वो हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर ऐसा हमारे बारे में क्यों सोच रहा है? फिर हमारे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है? तो जब हम वहां पे सोचते हैं, तो हमारे अंदर वहां से आती है एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ आती है, और समझ में पता चलता है कि वो जो कुछ बोल रहा है मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है। आप क्या चाहते हो? कि यहां पर वो जो बोले, जो मुझे अच्छा लगे वो बोले, लेकिन आपको वो कभी नहीं बोलेगा जो आपको अच्छा लगेगा, वो बोलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। आपको जो अच्छा लगे कभी भी कोई भी एक अच्छा इंसान ये नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा जो आपके लिए अच्छा है। और जो लोग आपको जो अच्छा लगे वो बोले, अगर वो बोलते हैं तो वो व्यक्ति कौन होता है मालूम है? क्या कहते हैं उसे? उसे चापलूस कहा जाता है। मतलब वो सबकी नजर में अच्छा बना रहना चाहता है, किसी का भला हो या ना हो। लेकिन एक नेक इंसान सबकी नजर में बुरा बन जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि जो बातें मैं कहूं सच्ची कहूं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे गांव में इसको इस तरह समझाते हैं कि बात करते हैं खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे हाँ। जो एक नेक इंसान होता है ना, वो कभी इसकी परवाह नहीं करता, वो ऐसे ही बातें करता है। और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो मोस्ट पीपल ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग। आपने अगर इसको स्टार्टअप कर दिया है, आप इसमें शामिल हो गए हैं और आप आ गए हैं, तो